ये लीजिए साहब, अब मन ठंडा कीजिए, बस 10 रुपये। गिलास जूस मिलेगा क्या? हाँ साहब, बिल्कुल मिलेगा। लीजिए। हुआ 10 रुपये। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, वो अचानक से चक्कर आ गया है। गर्मी बहुत है ना साहब, यही से लगता है लू लग गई है आपको। हाँ। वो हमारा घर है, आराम कर लीजिए, आइए। अरे वो, अरे बात मानिए, चलिए ना। अरे चलिए ना। अच्छा आप यहाँ आराम करिए। अरे सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, अरे कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे कहाँ भागी जा रही हो गन्ने के खेत में? हाँ, अरे सुनो ना, अरे सुनो, कहाँ भागी जा रही हो तुम? हैं, अरे थोड़ा सब्र तो करिए साहब। सब्र ही तो नहीं हो रहा है, हाँ? काहे इतना दूर जा रही हो? पास आओ ना, आओ।
गर्मी और धूप से थका हुआ एक आदमी गन्ने के रस के दुकान पर पहुंचता है। गन्ने का रस बेचने वाली औरत उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसके बाद वो अपने होश और आवाज खो बैठता है। औरत तो अपनी दुकान पर वापस लौट आती है, लेकिन उस आदमी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब उस औरत के हाथों में वही अंगूठी थी जो वो आदमी ने पहन रखी थी। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। एक आदमी का गन्ने के रस के दुकान पर आना, रस बेचने वाली का उसे अपने तरफ आकर्षित करना और अपने पीछे घर और फिर खेतों तक ले जाना, उस आदमी का बेहोश होना, फिर उस औरत के हाथों में उसकी यही अंगूठी का नजर आना, ये घटना कुछ अजीब नहीं थी। तो क्या हुआ था इन दोनों के बीच? रस बेचने वाली औरत का बर्ताव आम औरतों के जैसे नहीं था, और गन्ने के रस की दुकान पर बैठा वो दूसरा आदमी नाराज क्यों था? क्या रिश्ता था उसका उस औरत से? आखिर इस गन्ने के रस के दुकान के पीछे क्या चल रहा था? इंसान की एक छोटी सी कमजोरी या जरा सी असावधानी उसे किस अंजाम तक ले जा सकती है, जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी की यह चौंका देने वाली घटना। भैया लीजिए, नाश्ता तैयार है। प्रकाश, तुम वही सब करते देख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम तो शादी किए थे कि घर में बीवी होगी, घर संभालेगी, तो हम दोनों भाई मिलके अपने बिजनेस के लिए काम बढ़ा सकेंगे। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी दो आदमी का खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे सिर्फ खाना बनाना काम नहीं होता है प्रकाश, अगर औरत घर संभाल ले तो दिन दूना रात चौकना काम बढ़ता है। लेकिन उसका नाम तो रानी था ना, रानी। पूरा घर तहस नहस कर दिया और जाकर मायके बैठ गई है। भैया आप एक बार मिलकर भाभी जी से बात क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है आपके और उनके बीच में जो समस्या है वो दूर हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि उसके घर वाले समस्या को नहीं रिश्ता को खत्म करना चाहते हैं, रिश्ता को। खाना खाओ, दुकान जाना है तुम्हें। लो, नाम लिया और उसके घर से शैतान का फोन आ गया। हाँ बोलो गोरख। अब हमें सिर्फ यही काम रह गया है कि तुमसे बात करते रहें। ये बताओ कि हिसाब किताब करने कब आ रहे हो? देखो अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, फ्री होके आते हैं तुम्हारे पास। निकालो टाइम सुंदरलाल जी, क्योंकि अगर हमारा माथा घूम गया और हम केस कर दिए ना तो तुम्हारा टाइम बहुत ही खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हमें हमारी बहन की शादी का पूरा खर्चा वापस चाहिए। अबे एक तो तुम उसकी जिंदगी खराब कर दिए और ऊपर से हिसाब किताब देने के नाम पर दांपाई कर रहे हो बे, हाँ? देखो तुम ये गलत इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। अबे ठीक है तो हमारा सारा खर्चा वापस दे के इल्जाम को सही साबित कर दो। और एक बात और सुन लो बेटा, कान खोल के सुन लो, वो जो फटफटिया जो तुम लिए थे ना गिफ्ट में, अरे अपनी चॉइस का नंबर 5858 जिस पर तुम ये वैश्याना हरकत करते घूम रहे हो, अरे वो तुम्हारे बाप की नहीं थी, उसको भी लेके आना, समझे? अरे हाँ हाँ लेते आएंगे, पूरा पैसा तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे और वो फटफटिया भी लेते आएंगे, लेकिन ये बाप वाप का नाम मत लेना, समझे? आओ साले से एक एक पैसे का हिसाब करो, बस एक बार आओ जरा हमारे पास हिसाब किताब करना। क्या हुआ साहब? गुस्सा थूक दीजिए और दिमाग ठंडा करने के लिए गन्ने का रस पीजिए। दो। अरे भैया भैया ये हेलमेट तो लेके जाइए। अरे हाँ यार, ये सब टेंशन चक्कर में सब भूले जा रहे हैं, हमको बैंक भी जाना है और शादी ब्याह के मामले से जल्द छुटकारा पाना है। तुम दुकान टाइम से पहुंच जाना है। जी भैया पहुंच जाएंगे, बस आप पैसे का कैसा भी इंतजाम करके इस सारी झंझटों से मुक्ति पा जाइए। अरे यही सब तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ये बताओ शादी में केवल उनका तो खर्चा हुआ नहीं है, तो सारा खर्चा हमें ही क्यों सहे? अरे वो बात तो सही है भैया, पर पैसा का थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर इन सारी झंझटों से मुक्ति पाई जा सकती है, बात बढ़ाने से क्या फायदा भैया? ठीक है, आज सारा मामला रफा दफा करके ही आता हूँ।
तू चिंता मत कर प्रकाश। दुकान टाइम से पहुंच जाना। जी भैया। वैसे बड़ा मेहनत करना पड़ता होगा ना ये रस निकालने में। मेहनत का फल भी तो मीठा होता है ना साहब। अरे साहब को जूस पिलाइए, बड़ा देर हो रहा होगा उनको। ये लीजिए साहब। रात हो गई है भैया, अभी तक लौटे नहीं है। अरे प्रकाश, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ निकल लिए? हाँ पाठक भैया, वो क्या है, सुंदर भैया कल रात से घर नहीं आए। अपने ससुराल जाने की बोल के गए थे, पर अब तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए सोचा कि हम ही जाकर देख लेते, पता कराते। अरे भैया मिले तो थे कल बैंक में। अरे कोई बात नहीं। अरे पाठक जी बहुत जल्दी में, बाद में बात करेंगे। हैं हाँ भैया बोले तो थे बैंक जाने के लिए, बाकी पैसा निकालने का, लेकिन आप कह रहे हो कि पैसा निकाला है तो भैया जरूर ससुराल ही गए होंगे। अब अच्छा पाठक भैया हम चलते हैं। ठीक है ठीक है, शुक्रिया। अच्छा गोरख भैया, गोरख भैया, अरे तुम आओ आओ, क्या हुआ? अरे उस सुंदर जी को तो अपना सुंदर सा चेहरा दिखाने की हिम्मत हुई नहीं तो तुमको भेज दिया हमारे पास। हाँ अब बोलो, अबे बको कहाँ पैगाम लाए हो? हम पैगाम लेके नहीं आए, सुंदर भैया को लेने आए। बताइए वो कहाँ है? कहाँ बक रहे हो बे? वो बात ठीक है कि हमारी बात हुई थी कि आएंगे हिसाब करने, लेकिन देखो अबे कितना बड़ा धोखेबाज है। आए कहा नहीं, अबे तुम्हें भेज दिया। अब फोन पर तो बहुत अकड़ रहे थे। देखिए अब बात को इधर उधर मत घुमाइए, हम अच्छे से जानते हैं आपको। सुंदर भैया कल यहीं के लिए निकले थे और अब तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा तो हम क्या करें? अरे क्या करें हम? ओ शाबाश, अब समझ आया। मतलब तुम अब हम पर ही इल्जाम लगा रहे हो कि हम तुम्हारे भैया को गायब करवा दिया, ऐसे ना? हाँ देखिए भैया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है और वो यहीं का कहकर निकले थे। ये जो तुम दोनों भैया की जो पैतरेबाजी है ना, ये हमारे ऊपर नहीं चले। हमको हमारी बहन की शादी का पूरा खर्चा चाहिए और ये खेल जो तुम खेल रहे हो ना, ये बंद कर दो, क्योंकि अगर हमारी खोपड़ी घूम गई ना और हम कोर्ट चले गए तो उसके बाद तुम्हें अपनी जमीन जायदाद बेच कर भी देना पड़ेगा, समझेगा? अबे एक तो तुम हमारी बहन की जिंदगी खराब कर दी है और ऊपर से हम पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि हम तुम्हारे भैया को गायब करवाए हैं। हैं? अबे कितने गिर गए हो बे तुम दोनों। अरे भाई हमारा गायब हुआ है और हम आपको फंसाएंगे, जबरदस्ती आप किए थे ना, तो इल्जाम किस पे आएगा? हाँ आप ही बोलिए, इल्जाम किस पे आएगा?
पैसे लेकर भैया यहीं के लिए आए थे और उनका फोन नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूं भाई? अच्छा ठीक है, अब करेंगे तो हम। अगर हमारे भैया को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो फिर तमाशा देखना। तमाशा तू दिखाएगा? अबे तू तमाशा दिखाएगा मुझे? चल निकल यहां से। अबे देखता का है, निकल बे, निकल, देख जा रहा, चल। अगर एक परिवार का सदस्य कहीं गायब हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी? आजकल मोबाइल की सुविधा शहर से लेकर गांव तक पहुंच चुकी है, लोग हर पल एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। ऐसे में अगर किसी से संपर्क ना हो पाए तो ये बात परेशान कर देने वाली होती है। प्रकाश का भाई सुंदर गायब था, वो घर से ससुराल जाने के लिए निकला था मगर वो अब तक वापस नहीं लौटा। सुंदर और उसके साले गोरख के बीच में हुई अनबन से ये साफ जाहिर था कि सुंदर शादी तोड़ने के इरादे से ससुराल जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसके ससुराल वालों ने ही उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो? बैंक से पैसे लेकर निकला सुंदर आखिर कहां गायब हो गया था? कहीं सुंदर को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया था या सुंदर खुद कहीं चला गया था? डर की बात तो ये थी कि सुंदर के पास 3 लाख रुपए नकद थे, या फिर कहीं ये तो नहीं कि किसी ने उसके पैसे लूट लिए थे? सर, वो हमारे पड़ोसी पाठक जी भैया को बैंक के पास मिले थे, तो हम बैंक गए थे पता करने के लिए। पता चला कि भैया ने 3 लाख रुपए निकाले हैं। सर वो भैया के साले हैं ना, गोरख सिंह जी, उसी को देने के लिए निकाले होंगे सर, वही हमारे पीछे पड़े। तो तुमको अपने भाई के साले गोरख सिंह पर शक है? शक नहीं सर, पूरा यकीन है, उसी का हाथ है इसी। सर वो शादी का सारा खर्च हमसे लेना चाहता है, वही पीछे पड़ा, इसीलिए भाई ने ये 3 लाख रुपए निकाले ताकि उसका हिसाब पूरा कर सके। जब उसे पता चला कि भैया पूरी तरीके से उससे रिश्ता खत्म कर देना चाहते, तो सर जरूर जरूर इस गोरख ने मेरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ किया है सर। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम पता करने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। जी सर। क्या लगता है ठाकुर, वो लड़का सच बोल रहा था? सर एक बार इस गोरख सिंह से बात हो जाए तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। उठा उसको, हमारी गाड़ी के नीचे आके मरेगा क्या? साइड में बैठा। नहीं काम कर ले। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है? है साहब, एक पिछड़े मोड़ पे एक डॉक्टर साहब हैं। देखो उधर से जो भी गाड़ी आए उसको रोको और इसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ। सरकार हमारे भाई धंधे का टाइम है, इनका लेकर कहाँ भटकते फिरेंगे हम? है समझ में नहीं आता साहब क्या कह रहे हैं, दुकान उखाड़ कर फेंक देंगे तब समझ में आएगा। अरे साहब हम लोग है ना, हम लोग इनका इलाज कराएंगे, आप चिंता मत करिए, आप जाइए, जैसे ही कोई सवारी आती है हम लेके जाते हैं। ना लेके जाओ, जो भी गाड़ी आज तो रोको और लेके जाओ इसको। हॉस्पिटल लेके जाओ। ठाकुर ये बाइक उठा के किनारे करो। उठा। साहब आप लोग गन्ने का रस पिएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, अभी हम उधर जा रहे हैं, लौट करके आते हैं फिर देखते हैं। ये मोटरसाइकिल उस आदमी की है, जब वो ठीक होकर के आए या फिर उसका कोई रिश्तेदार आए तो उसको बुला करके दे देना। जी साहब। ठाकुर चलो। गोरख सिंह, गोरख सिंह आ रहे भाई। जी सर हमें ही है गोरख सिंह। अच्छा तो तुम हो गोरख सिंह? हाँ। तुम्हारी बहन और माँ घर में नहीं है क्या? सर वो पासी के गांव में एक मेला लगा है ना, तो वहां गए सब लोग। और तुम्हारा बहन भाई सुंदरलाल कहाँ है? उसका हमें क्या पता,
कल बोला था आने के लिए तो वो तो आया नहीं, लेकिन उसका भाई उसे लेने जरूर आया था। उसके भाई ने ही तुम्हारे खिलाफ इल्जाम लगाया है कि तुमने उसको गायब किया है, समझे? अब हम काहे गायब करवाएंगे साहब, लेकिन एक बात कहें आपको, ये हमें तो इन दोनों की मिली भगत लग रही है। एक तो उदय कहीं गायब हो गए और दूसरे हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ताकि उन्हें पैसे देने ना पड़े। पैसा मतलब तुम हरजाना मांग रहे हो और ये बात उसने सच बोली है? सर, रिश्ता तोड़ने की बात वो लोग किए थे, पर अभी साल भर भी नहीं हुआ शादी, इतना खर्चा किया हमने, जब रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना तो हम अपना खर्चा नहीं मांगेंगे सर। और पैसा वसूलने के लिए तुम उसे गायब करवा दोगे? हाँ सर, हम काहे गायब करवाएंगे किसी को, और उसको भी देखिए कितना बड़ा झूठा है, पैसे देने के लिए बोला था और अभी तक नहीं आया, आप लोग आ गए उसे ढूंढने के लिए। देखो, सुंदर गायब है और उसका इल्जाम तुम पर है, कौन कितना सच बोल रहा है ये तो उसके मिलने पर ही पता चलेगा, इसीलिए जब बुलाएं तब पुलिस स्टेशन आ जाना, समझे? सर, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? सुंदर गायब है पर कैसे कुछ बता नहीं सकते, पर जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे उससे तो मालूम होता है कि मामला ही कुछ और है। पर इतना तो तय है कि ये गोरा का आदमी बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। सर, वो रस की दुकान आ रही है। ठीक है, चलो उस आदमी के बारे में पता करते हैं। आगे साहब। उस आदमी को डॉक्टर को दिखाया? जी साहब, सरकार आपका ऑर्डर रहा, हम उसका पूरा मरम पट्टी करवा के घर छोड़ के आए और फिर उसका बाइक भी पहुंचवा दिए। था कहाँ का वो? जी यहीं लखीमपुर के पास बिवड़ी गांव का रहा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? ये हमारा नाम बसंत है और हमारी बीवी लाजो। अब तो रस पियेंगे ना साहब? ठीक है, सबको पिलाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो सर, मेरे भैया को कोई नशे की आदत नहीं थी और झगड़े झंझट से तो वो खुद ही दूर रहते थे, किसकी बात पर विश्वास कर रहे हो? उस गोरख सिंह के, जबकि सारे फसाद का जड़ तो वही है। सर, भाई मेरा गायब हुआ है और आप मुझे? हम पुलिस वाले हैं प्रकाश, केस के दोनों पहलू को देखना हमारा काम होता है और फिर इस केस की तहकीकात हमने शुरू कर दी है, जैसे ही तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी पता चलता है तो बताते हैं। और हाँ, तुम्हें कोई खबर मिले मतलब किडनैपिंग फिरौती वगैरह तो तुम सबसे पहले हमें बताओगे। जी सर। और यहाँ से कहीं भी जाना हो तो हमें बता करके जाओगे? ठीक है सर। चलो चलते हैं। ठाकुर। यस सर। उस गोरख पर नजर रखो क्योंकि ये लड़का मुझे सही लगता है। तो लखीमपुर से विलासनगर जा रहे थे? जी सर। तुम जाओ, हम पता करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गायब हो गए। धन्यवाद सर। ये लखीमपुर से विलासनगर जाने वाली रोड पर अब तक 6 लोग गायब होने की रिपोर्ट लिख चुकी है, आखिर ये माजरा क्या है? सर, कुछ तो ऐसा चक्कर है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। सर, एक हफ्ता हो गया है, मेरे भाई का कुछ पता नहीं चला है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैंक से निकलने के बाद आपका भाई कहाँ गया है इसका पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने गोरख के बारे में भी पता किया है लेकिन उसके खिलाफ भी हमें कोई ठोस सबूत मिला नहीं है। लेकिन सर, बैंक से निकलने के बाद भैया ससुराली तो जाएंगे और कहाँ जा सकते? पर कह नहीं, इसका ठोस सबूत चाहिए जो कि नहीं है हमारे पास। देखो प्रकाश, बैंक से निकलने के बाद तुम्हारे भाई की ससुराल के बीच में लखीमपुर भी पड़ता है, हो सकता है कि तुम्हारा भाई उधर चला गया क्योंकि और कोई रास्ता इधर उधर जाता भी नहीं। लेकिन सर,
भैया लखीमपुर क्यों जाएंगे? वो गया ना हो सकता है कि ले जाया गया हो, क्योंकि जिस आदमी के पास 3 लाख रुपए कैश हो तो उसको कोई भी रास्ता भटका सकता है। सुंदर की गुमशुदगी के बारे में पता लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम थी। इस केस में पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। क्या ये लूट के साथ साथ हत्या का भी मामला था? प्रकाश तो ये ठान लिया था कि वो हर हाल में अपने भाई सुंदर की तलाश करके ही रहेगा। पुलिस ने गोरख से पूछताछ की, पर गोरख के खिलाफ उसे कोई सबूत हाथ नहीं आया। क्या सुंदर के साथ कोई हादसा हुआ था, या फिर उसके गायब होने के पीछे थी कोई गहरी साजिश? इंस्पेक्टर का कहना है कि भैया लखीमपुर की तरफ भी जा सकते हैं, वहीं जाकर पता करता। भैया आखिर लखीमपुर क्यों जाएंगे? मुझे उनके बारे में पता करना ही होगा। पुलिस को सबूत लाकर देना ही होगा कि वो ससुराल ही गए थे। प्रकाश, प्रकाश भाई लखीमपुर जाएंगे क्या? अरे नहीं मदन भैया, हम तो भैया के ससुराल जा रहे हैं, विलासनगर। चल क्यों, क्या हुआ? अरे सुंदर भैया अभी ससुराल से लौटे नहीं कहा? लगता है ससुराल में जाके जम गए हैं। आपको कैसे पता कि सुंदर भैया ससुराल में है? लीजिए, अरे एक हफ्ता पहले उनको यही तो उतारे थे मोटरसाइकिल से। मतलब एक हफ्ता पहले आप भैया से मिले थे? हाँ भाई मिले थे, टाउन में बैंक के पास। हम अपने ससुराल जा रहे थे लखीमपुर। अरे सुंदर भैया, सुंदर भैया लखीमपुर जा रहे, तो मुझे भी लेते चलिए ना। चलो बैठो। बैठे लो, बैग पकड़ो। ले भैया। मदन तुम यहीं पे उतर जाओ, मुझे विलासनगर जाना है। लखीमपुर नहीं जाएंगे क्या? अरे एक बार बोल दिया ना विलासनगर जाना है, तो बार बार क्या सवाल कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मतलब भैया पक्का ससुराल की तरफ ही गए हैं, लेकिन पहुंचे नहीं तो गए कहां? भैया रस मिलेगा? अरे रस का दुकान है साहब, तो रस ही मिलेगा। कितना गिलास चाहिए? अब एक आदमी है तो एक ही गिलास चाहिए होगा ना? नहीं, कई कई लोग तो चार चार गिलास भी पी जाते हैं। अब बैठिए। नहीं नहीं हम यही ठीक है। का देख रहे हैं? वो झोपड़िया हमारी है। एक बात बताओ, कब से है ये तुम्हारा दुकान? बस जब से गर्मी पड़ा है और लोगों को रस की जरूरत पड़ा है तब से। नहीं मेरा मतलब है कितने दिनों से? दिनों से नहीं महीनों से। आप जूस पीजिए। ₹10।
विलासनगर तो यहाँ से शुरू हो रहा है और लखीमपुर मोड़ से यहाँ तक बीच में कोई और रास्ता भी नहीं जा रहा इधर उधर, और मदन भाई ने भी यही बोला है कि भैया इसी तरफ आए। इसका मतलब भैया जरूर इधर ही आए, जरूर अपने ससुराल ही आए। काहे चिल्ला रहे थे वहां से? क्या हुआ? अबे मिल गए तुम्हारे भैया, आज हम पर फिर कोई नया इल्जाम लगाने आए हो? ओ भाई साहब, अगर भैया मिल गए होते ना तो हम यहाँ तुम्हारे सामने नहीं खड़े होते। उन्हीं को खोजते खोजते यहाँ हम फिर से आए हैं। उस दिन भैया के साथ कोई आया था वहाँ उस मोड़ तक, उनको वहाँ उतार के वो यहीं के लिए निकले थे, यहीं के लिए। फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो, जबकि वहाँ से इधर उधर कहीं और का रास्ता है ही नहीं। अब हम तुम्हें क्या बताएं कहाँ गए तुम्हारे भैया? अरे हमारी बहन को तो घर से निकाल ही दिया, उलछर्रे उड़ा रहे होंगे किसी के साथ। अरे फालतू की बात मत करो, दिमाग खराब मत करो हमारा। 3 लाख रुपए लेकर निकले थे वो, शायद तुम्ही को देने थे। गवाह तो मिल ही गया है हमें, सबूत भी हम बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अबे तुम फिर से हम पे इल्जाम लगा रहे हो? एक बात सुन लो, हम ठेकेदार हैं, किसी की जिंदगी का ठेका नहीं लेके बैठे कि कौन कहाँ गया और कहाँ गायब हो गया, समझे? अब बात रही वो 3 लाख रुपए की, तो एक बात सुन लो, अगर वो 3 लाख रुपए हमें मिल जाते ना, अबे तो दोबारा हम उसकी शक्ल भी नहीं देखते, काम करते आराम से। बात करते हो? अबे ओए, आराम से तो तू अब है, लेकिन अब आराम हराम होगा। हमारा भाई गायब हुआ है, जब तक उनको खोज नहीं लेते ना, चैन से नहीं बैठेंगे। कब उल्टी लागे? अपना ही धंधा पूरा सीजन चल पाएगा? जब धंधा मंदा हो जाएगा तो निकल लेंगे। वैसे भी एक जगह पे ऐसा धंधा ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। सर लगता है कि अब हम सुंदरलाल को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। अच्छा, किसी खबरी ने कोई खबर दिया है क्या? नहीं सर, ये देखिए आज का पेपर। हम उसका पूरा मरम पट्टी करवा के घर छोड़ के आए। ठाकुर जल्दी चलो। चलिए सर। क्या आप लोग हमेशा दुकान लगा के रखते हो का? हाँ साहब, ये है अपना झोपड़ी, तो समझिए दुकान भी हमेशा ही रहता है, लेकिन गन्ने का रस सिर्फ दिन में मिलता है। लोग अपनी गर्मी कम करने के लिए यहाँ आते हैं, रस पीते हैं और चले जाते हैं। आप रस पियेंगे? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे पीजिए ना, हम तुरंत लेके आते हैं। क्या बात है भैया, तुम सवेरे भी आए थे ना रस पीने के लिए? हाँ वो क्या बात है, बहुत पूछताछ कर रहे? हाँ वो हम अपने भैया को खोज रहे, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, इसी रास्ते से गुजरे थे लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। फोटो है? हाँ एक मिनट, हाँ ये तो यहाँ आए थे, हम ही उनको रस पिलाए थे। पक्का? मतलब आप ही ने पहचान रहे? अरे हम एक बार जिसको रस पिला दें उसको भूलते नहीं है। ये यहाँ आए थे, रस पिए थे और अपनी फटफटिया से चल गए। अगर भैया यहाँ तक पहुँचे थे तो गड़बड़ पक्का गुरुक नहीं किया। लीजिए रस पीजिए। लाजो और बसंत गन्ने के रस की दुकान की आड़ में ऐसा क्या कर रहे थे? गन्ने का रस पीने के बाद लोगों को चक्कर आने का रास क्या था?
रस पिलाने के बाद लाजो सभी आदमियों को अपनी झोपड़ी में क्यों ले जाती थी? और ऐसा क्या राज छिपा था गन्ने के इस खेत में? वो दोनों कौन से धंधे की बात कर रहे थे जब प्रकाश उनकी दुकान पर पहुंचा? क्या प्रकाश भी उनके जाल में फंसने वाला था? क्या सुंदर के गायब होने के पीछे गन्ने की दुकान तो नहीं थी? अगर इस जगह पर कुछ गलत हो रहा था तो कहीं प्रकाश की जान भी खतरे में तो नहीं थी? अरे साहब, क्या हुआ आपको? वो थोड़ा चक्कर साहब। अरे साहब, भाई को खोजने में अपना सेहत का तो ख्याल कीजिए। चलिए, आप आराम कर लीजिए, आइए। नहीं नहीं। क्या साहब, ग्राहक का सेवा करना तो हमारा फर्ज है। चलिए ना, हमारे घर में आराम कर लीजिए, आइए। अरे चलिए ना। अरे नहीं। चलिए चलिए। ठीक है। खाना खाओ, दुकान जाना है तुम्हें। हमारे भैया की अंगूठी आपके पास कैसे आई? हम बोले थे ना कि हम कभी किसी ग्राहक को नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि उसकी निशानी जो अपने पास रख लेते हैं। ये लो, अपने भाई की अंगूठी नहीं लोगे? लो ना, आओ। आओ लो, अरे लो ना, लो। एक काम करो, प्रकाश को फोन करो और उसको भी वहीं पर बुलाओ। ठीक है सर, जल्दी। सर रिंग जा रही, उठा नहीं रहा। जल्दी चलो, स्पीड में लो गाड़ी, जल्दी पहुंचना है। ठाकुर, ये लोग कहीं भाग तो नहीं गए? सर वो देखिए। चलो सर। ठाकुर, इसमें तो तुम्हारी मिस कॉल है, लगता है ये प्रकाश का फोन है। प्रकाश यहाँ क्या करने आया था? अपने भाई को ढूंढ रहे थे ना, तो ढूंढ लो, यहीं कहीं होगा। कहाँ है मेरा भाई? ढूंढो। बताओ कहाँ है भैया? अरे छोड़। कुछ तो गड़बड़ है। चलो ज्यादा बेचैन होने का जरूरत नहीं है, हम तुमको भी तुम्हारे भाई के पास ही पहुंचा देंगे। तो सारा फक्कड़ निकला, चेन के अलावा कुछ भी नहीं इसके पास। तो उसकी जान ही निकाल लो ना मेरी जान। ऐसे भी जब तुम गला काटते हो, दिल बहुत गदगदा जाता। अभी काट लें मेरी जान। और वो जिसको एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के पास जाने को बोला था,
और कितने लोगों को मारा? बस आराम आराम से, आराम से, एक मिनट, एक मिनट, आराम से, आराम से। अब आपसे तो बाइक चलेगी नहीं, हम आपको बाद में घर छोड़ाएंगे। जरा हम दुकान बढ़ा लें, आप हमारे गरीब खाने में चल के आराम से आराम कीजिए तब तक। चलिए आराम से। ले जाओ दोनों को। अब इनके गले में भी फांसी का फंदा होगा ना, तब पता चलेगा इनको। और प्रकाश को हॉस्पिटल लेके जाओ। बोल, कहाँ है मेरे भैया? बोल, क्या किया तुमने उनके साथ? बोल। बस अब तुम्हारा दौड़ खत्म, अब तुमका इनाम मिलेगा। हमारी बीवी के पीछे दौड़ लगा रहे थे, बाकी सामान बटोर लेना। मार के सबको यही गाड़ दिया। क्रिमिनल प्रकाश, संभाल अपने आप को, इसको कानून सजा देगा। ले चलो सबको। लाचो और बसंत ने पैसों के लालच में कई बेगुनाह लोगों को गन्ने के रस में नशीली दवा देकर बेहोश करके उन्हें लूट कर कत्ल कर दिया उनका। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस दुकान पर बैठे पति पत्नी असल में सीरियल किलर्स थे। अगर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती तो प्रकाश भी अपने भाई की तरह उनका शिकार हो सकता था। और न जाने कब तक लोगों का गुम होना और हत्याओं का ये खूनी सिलसिला चलता रहता। लाजो और बसंत ने बड़े शातिर तरीके से लगातार सीरियल मर्डर्स किए, लेकिन आखिर कानून की नजर उन पर आ ही गई। बिना मेहनत जल्दी पैसे कमाने के लालच में सिवाय बर्बादी के उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस द्वारा अरेस्ट होने के बाद लाजो और बसंत ने अपना गुनाह कबूल किया। इसके साथ उन्होंने अन्य चार कत्ल करने की बात भी कबूल की। लाजो और बसंत को नशीली दवाई मिलाकर लूटने के लिए IPC सेक्शन 392 और उनकी हत्या करने के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। क्रिमिनल्स की पहचान अक्सर उनके चेहरे से नहीं होती, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। ये थी यूपी में घटी एक घटना। फिर मिलेंगे जुर्म को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।